पीटीआई ने साबिक वजीर आला दोस्त मोहम्मद खोसा को पार्टी में शामिल करने से माजरत कर ली है। इमरान खान और जुल्फिकार खोसा से मुलाकात में भी दोस्त मोहम्मद खोसा मौजूद नहीं थे। जी हाँ, एक और यू टर्न सामने आ गया। दोस्त मोहम्मद खोसा मौजूद नहीं थे। दोस्त मोहम्मद खोसा पर अदाकार सपना के कत्ल का इल्जाम है। इसी बिना पर तरीके इंसाफ ने उन्हें पार्टी में शामिल करने से माजरत कर ली है। तर्जुमान तरीके इंसाफ के मुताबिक खोसा खानदान के वही लोग पार्टी में शामिल हुए जो मुलाकात में मौजूद थे। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे कि पीटीआई ने साबिक वजीर आला दोस्त मोहम्मद खोसा को पार्टी में शामिल करने से अब माजरत कर ली है। इमरान खान और जुल्फिकार खोसा से मुलाकात में भी दोस्त मोहम्मद खोसा मौजूद नहीं थे। दोस्त मोहम्मद खोसा पर अदाकार सपना के कत्ल का इल्जाम आयद है। इसी बिना पर तहरीके इंसाफ ने उन्हें पार्टी में शामिल करने से अब माजरत कर ली है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है लाहौर रंग के नुमाइंदे जुबैर साजिद। जी जुबैर, अपडेट कीजिएगा, माजरत कर ली गई। जी बिल्कुल, जो आज सरबराह तरीके साहब इमरान खान जो चेयरमैन तरीके साहब है आज लाहौर पहुंचे, तो उन्होंने जुल्फकार खोसा के घर जो है वो पहुंचे और जुल्फकार खोसा ने बाकायदा तौर पर तरीके साहब ने शमूलियत का ऐलान किया। लेकिन जो उनके जो दोस्त मोहम्मद खोसा थे उन्होंने तरीके साहब ने शमूलियत से माजरत कर लिया है क्योंकि अभी भी वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है, नून का हिस्सा है। जो जुल्फकार खोसा थे उन्होंने कहा, वो साबिक गवर्नर रह चुके थे, उन्होंने कहा जी मैं तरीके साहब ज्वाइन कर रहा हूँ और मेरी पूरी फैमिली जो है वो इसको ज्वाइन कर रही है, अहले खाना समेत तरीके साहब में शमूलियत का ऐलान कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि दोस्त मोहम्मद खोसा जो साबिक वजीर आला रह चुके हैं उन्होंने तरीके इंसाफ में अभी जो है वो शिरकत से माजरत कर दी है। उनका बयान ये सामने आ रहा है कि अभी वो इस पर सोच विचार करेंगे। अभी ये उन्होंने कहा जी ये जुल्फकार खोसा का अपना फैसला है कि उन्होंने तरीके इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है, लेकिन मैं दोस्त मोहम्मद खोसा जो हूँ मैं अभी ये फैसला करता हूँ कि मैं अभी तरीके इंसाफ में शामिल नहीं हो रहा, मैं इस चीज़ से माजरत कर रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया जुबैर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।